मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रिंटर के ऊपर। प्रिंटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ हम इसको प्रिंटर को यूज़ करते हैं। आपने प्रिंटर देखा ही होगा, आप फोटो स्टेट करवाने जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर लगे होते हैं, तो होते हैं हमारे प्रिंटर्स। देखते हैं प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर बेसिकली आपको बता दें एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आगे जो एग्जांपल है वो डॉट मैट्रिक्स की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। हम शुरू करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर से। इम्पैक्ट टाइप या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम इसको बोल देते हैं। द टर्म डॉट मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स टू फॉर्म एन इमेज। यानी कि डॉट मैट्रिक्स हम इसको प्रिंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इमेज बनाने के लिए, कुछ भी अक्षर लिखने के लिए ये डॉट का यूज़ करते हैं। यानी कि डॉट 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 से मिला के ये एक वर्ड तैयार करते हैं। इट्स स्पीड इज़ यूजली 30 to 550 करेक्टर पर सेकेंड। इनकी स्पीड क्या होती है, 30 से लेके 550 अक्षर तक ये लिख सकते हैं एक सेकेंड में। दिस इज़ द चीपेस्ट प्रिंटर, ये सबसे सस्ते प्रिंटर होते हैं। इनके देखते हैं वर्किंग, ये कैसे काम करते हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये फॉन्ट का साइज़ है। यहाँ पे जैसे 14 है, 18 है, 18 है, यहाँ पे 9 है और ये 7 है। ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये साइज़ है फॉन्ट का आपके। यानी कि आपने ये मेनली ये चार ही साइज़ के अवेलेबल होते हैं, आपने किस साइज़ का फॉन्ट रखना है, ठीक है। ये 7 साइज, यानी कि फॉन्ट है 7 का साइज़, 9 का, 18 का और ये 24 का। ये 24 का ये डॉट्स का साइज़ होता है, यानी कि आपने फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लगी हुई है यहाँ पे किल सी, ठीक है। ये किल लगी जो आपको दिख रही है, ये स्ट्राइक करती हैं पेपर के ऊपर। ये आपका पेपर है, ये जो आपको दिख रहा है ये पेपर है, पेपर फीड करता है। जैसे पेपर आगे जाएगा, ये जो यहाँ से किले निकल के इसके ऊपर लगती रहेंगी पेपर के ऊपर, ये लिखता जाएगा। जैसे हमने एस लिखा है यहाँ पे, जो एस लिखा है, एस लिखा है, ये कैसे लिखा, पहले जैसे डायरेक्ट लाइन लगाई, डॉट्स डॉट डॉट लगा के फिर ई सा, ये ई सा बन गया, उसके बाद ये एस बन गया, ठीक है। जैसे ये हमने एच लिखा है यहाँ पे, एच और ये डी, ये डॉट से होता है। ये यहाँ पे पिन लगी हुई है, पिन स्ट्राइक करती हैं, पिन के आगे स्याही लगी होती है, यानी कि इंक लगी होती है, जो ये स्ट्राइक करती हैं पेपर के ऊपर। और यहाँ पे डॉट 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 से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये एक इनकी डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ मतलब इसमें फॉन्ट बहुत कम होते हैं, सिर्फ ये ऐसे लिखेंगे, जैसे सीधा सीधा ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे जैसे एच लिख दिया, जैसे हमने ए लिखना है तो ए ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके ए लिखना पड़ेगा। ये ऐसे ए नहीं लिख सकते, ये ए हम जैसे हम लिखते हैं ये ए ऐसे लिख सकते हैं, इनको मतलब सीधा सीधा ए लिखना पड़ेगा। ये होते इम्पैक्ट प्रिंटर। ये देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम बिल बनवाने जाते हैं, यानी कि हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमको बिल देता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर की मदद से ही उसके ऊपर प्रिंट करके देते हैं। डॉट मैट्रिक्स हम इसको प्रिंटर बोलते हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसके ऊपर डॉट 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 से, और ये जल्दी मतलब हम इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते अपने पास। ये डॉट जो इम्पैक्ट प्रिंटर की मदद से जो भी कुछ प्रिंट हुआ है वो बहुत जल्दी ही मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि साफ हो जाता है वो। उसके बाद हमारा इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करेंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर दैट रिक्रिएट अ डिजिटल इमेज बाय प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू द पेपर, प्लास्टिक और अदर सब्सट्रैक्ट। अब देखिए, इसमें क्या है, ये ड्रॉप गिराता जाता है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ड्रॉप क्रिएट करता है, ड्रॉप उसके ऊपर, जैसी कोई पेपर है उसके ऊपर ड्रॉप गिर जाती है तो वहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाती है। इसमें क्या है, ड्रॉपलेट सिस्टम है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू द पेपर। इसमें हम पेपर के ऊपर प्लास्टिक और अदर सब्सटेंस किसी के ऊपर भी हम मतलब प्रिंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पेपर के ऊपर कर सकते हैं, प्लास्टिक के हो गया या फिर अदर सब्सटेंस किसी के ऊपर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या है, रेंज फ्रॉम स्मॉल इंस्पेक्शन कंज्यूमर मॉडल टू एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन। ये बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं और बहुत महंगे भी मिल जाते हैं। और रेंज में यानी कि उससे फ़र्क पड़ता है कि हमें क्या मतलब प्रिंट क्या करना है, प्रोफेशनल मशीन चाहिए हमें, अच्छा बेस्ट प्रिंट चाहिए अगर हमें कुछ अच्छा प्रिंट करना है, इनकी रेंज चलती है। यानी कि स्मॉल इंस्पेक्शन सस्ते से सस्ता मिल जाता है और महंगे से महंगा भी मिल जाता है। अब इंकजेट प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं आगे, एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंटर, एक होता है थर्मल बबल प्रिंटर। पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे प्लेट लगी हुई है, ये डायफ्राम है, इंक ड्रॉप, जैसे यहाँ पे इंक अंदर जाएगी इसके, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक लिखा है, इंक अंदर गई, इंक चैनल यहाँ से पास होती होती ये डायफ्राम हो गया अप,
जैसे डायफ्राम अप हो गया, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ और ये यहाँ पे एक ड्रॉप हो गया, इंक ड्रॉप क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक होल है छोटा सा, ये आपको होल दिख रहा होगा, यहाँ से निकली इंक और यहाँ पे एक बन गया ड्रॉप, इसे मैं कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। मैंने आपको पहले बताया ये ड्रॉपलेट सिस्टम है, यानी कि ड्रॉप क्रिएट हो गई। और थर्मल बबल में क्या है, थर्मल बबल में क्या, यहाँ से इंक आई, ठीक है, ये हीटर है इंक को गर्म करने के लिए, यानी कि पिघलाने के लिए, यहाँ पे इंक पिघल गई और ये इंक ओपनिंग से बाहर निकल गई। ये आप, ये मतलब ये कितनी इंक बाहर निकालनी है, ये सब सॉफ्टवेयर बताएगा जो इसके अंदर इनबिल्ट है, यानी कि उसने क्या लिखना है, कितने वर्ड लिखने हैं, उसके हिसाब से जो इंक है वो बाहर आती रहेगी। इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंटर और ये थर्मल प्रिंटर, जो ये इसके सामने ये वाला, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंटर जो मैंने आपको दिखाया। इसमें क्या होगा, ड्रॉपलेट बनेगी इंक की, ठीक है, इंक की ड्रॉपलेट आ गई, पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क है, यहाँ पे चार्ज हो गया, ये यहाँ से ड्रॉपलेट क्रिएट हो गई। और थर्मल इंक जेट, ये थर्मल प्रिंटर जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, ये वाला जो आपको राइट साइड में दिख रहा है थर्मल प्रिंटर, इसमें हीटर लगा हुआ है, देखिए इंक ड्रॉप क्रिएट हो गई, वेपर बबल, ओरिफिस प्लेट लगी हुई है, ये थिन फिल्म रजिस्टर लगे हुए हैं, सिलिकॉन सबस्ट्रेट है। आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेन मेन क्या रखना है, यहाँ पे इंक आई, ठीक है, इंक आई और वेपर, यहाँ से इंक आई, देखिए यहाँ से इंक आई और यहाँ पे इंक का जो एक ड्रॉपलेट्स है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, फोटो इमेजिनेबल पॉलीमर से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये पुश हुआ, यहाँ पे जो फ्लू यहाँ इंक थी वो ऊपर चली गई और यहाँ पे एक बबल ड्रॉपलेट क्रिएट हो गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्मल इंकजेट प्रिंटर। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रिंटर कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, क्लासिफिकेशन हमने कर ली, डॉट मैट्रिक्स एंड ये, ठीक है। ये आपको प्रिंटर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक आउटपुट डिवाइस है, जब तक हम इसको कोई कमांड नहीं देंगे तब तक इसमें से कुछ आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, आपने ये याद रखना है। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।